आज की लेटेस्ट टेक न्यूज में हम बात करने वाले बहुत सारी टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और उस न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम पहली न्यूज के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है कि यहाँ पर मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स में कौन सा फोन है जो वर्ल्ड 2022 में जो वर्ल्ड जो फेमस जो फोन आए हैं जनवरी फरवरी मार्च 2022 में, जो कि जो पहला फोन है वो है आईफोन 13। मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन जनवरी फरवरी मार्च 2022, आईफोन 13 इज द मोस्ट बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन जो बना है वो। और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात है कि आईफोन 13 यहाँ पर लीड कर रहा है अभी भी टॉप पर, और ये जनवरी फरवरी 2022 में जो टॉप पर लीड है वो है आईफोन 13। और बात करेंगे अगर दूसरे स्मार्टफोन की तो भी आईफोन मतलब एप्पल की तरफ से ही है, एप्पल का आईफोन 13 प्रो मैक्स सेकंड पे ये लीड कर रहा है फोन, जो कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह बात करते हैं अगर थर्ड पोजीशन की तो यहाँ पर हमारा सैमसंग यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बट ये थर्ड लाइन में भी है और ये फोन है सैमसंग गैलेक्सी का A12 जो कि काफी अच्छा मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बना है। और दोस्तों इस तरह फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो अगेन एप्पल की तरफ से आईफोन 13 प्रो ये भी बहुत ज्यादा बिका है। और इसके बाद अगर हम लास्ट फोन की बात करेंगे मतलब कि ओवरऑल फिफ्थ नंबर पे जो फोन आता है वो है सैमसंग का ही सैमसंग गैलेक्सी का A32। तो ये जो फोन है वो काफी मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स हैं और ओवरऑल टॉप पर जो लीड कर रहा है इस 2022 में आईफोन 13। और दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो है क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम का है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर, जो कि काफी तरह अच्छा प्रोसेसर है। क्वालकॉम ने यहाँ पर इसको स्नैपड्रैगन ने रिवील कर दिया है। तो ये प्रोसेसर है ओवरऑल 8+ Gen 1 में आपको 10% CPU और 10% GPU का जो इंप्रूवमेंट है देखने को मिलेगा, 30% का लेस पावर कंजप्शन भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ओवरऑल थर्मल्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया, देखते हैं इस प्रोसेसर में आपको और भी क्या क्या इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं। ओवरऑल ये प्रोसेसर जो है काफी हद तक पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है। और दोस्तों अगली न्यूज भी स्नैपड्रैगन की तरफ से है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर 4nm पे बेस्ड है, स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 ये यहाँ पर एक सीरीज आपको देखने मिलने वाली है। देखते 7 Gen 1 में आपको ओवरऑल काफी अच्छा प्रोसेसर भी है और काफी पावरफुल प्रोसेसर भी है, और देखते हैं कि कैसा प्रोसेसर होता है। ओवरऑल एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ओप्पो रेनो 8 प्रो में आपको सबसे पहले देखने मिलने वाला है, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर बता दिया गया है। और दोस्तों अगली न्यूज है वो है एप्पल और सैमसंग की तरफ से, मतलब कि एप्पल और सैमसंग पे पेनल्टी लगाई जा रही है दूसरी कंट्रीज में। इंडिया में तो फिलहाल इंडिया गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया नहीं है कि बॉक्स के अंदर चार्जर आप लोग हटा रहे हो, और वहां पर पेनल्टी दी जा रही है एप्पल और सैमसंग की तरफ से। और देखते हैं दोस्तों इंडिया में भी कब कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती है, क्योंकि यहाँ पर चार्जर हटाना एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आईफोन या कोई भी बंदा फोन सैमसंग परचेस करेगा तो ऑब्वियसली उसमें चार्जर नहीं है तो उसे बाहर से परचेस करना ही पड़ेगा, तो एक बहुत ही गलत चीज हो जाती है। प्लस यहाँ पर कंपनी का बहुत ज्यादा फायदा भी हो जाता है, तो एक ये बहुत ही गलत चीज है, फोन के साथ आपको चार्जर भी यहाँ पर देना चाहिए। और दोस्तों इस तरफ हम अगली न्यूज के बारे में बात करेंगे, वो आ रही है आईकू की तरफ से। आईकू का न्यू 6 5G फाइनल इसकी लॉन्च डेट आ चुकी है 31 मई 2022 में ये फोन आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 870 वाला प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, जिसकी गेमिंग यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 30,000 के अंदर आपको यहाँ पर प्राइस भी देखने को मिल सकता है। तो जो अगली और लास्ट न्यूज है इस वीडियो की वो है Redmi का Note 11T Pro Plus। ये एक फोन है Xiaomi की तरफ से, मतलब Redmi का एक फोन है, और यहाँ पर देखते हैं Redmi का फोन कब तक आता है, जो कि इसका नाम काफी तक बड़ा है। बट यहाँ पर जो कुछ रूमर्स इन्फॉर्मेशन है, जिसके अंदर आपको 64 MP कैमरा मिलने वाला है, यहीं पर ही Dimensity का 8100 वाला चिपसेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं पर ही 144Hz की पावरफुल डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने मिल सकते। देखते हैं कि इस फोन के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं फिर नहीं। बाकी ओवरऑल यही सारी टेक न्यूज थी। आई होप को ये टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ताकि रोज लेटेस्ट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।